आज हम लोग यूज़ ऑफ बैटमैन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बैटमैन का यूज़ कैसे करते हैं, उसका क्या यूज है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बैटमैन के क्या कहीं ना कहीं ये कैसा होता है, अगर इसको देखा है तो या प्लास्टिक का होता है या फिर स्टील का देखने को मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो भी है फीसेज या स्टूल को, फीसेज या यूरिन को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाए। अगर कोई ना कोई पेशेंट है वो बेड रिडन पेशेंट, मतलब लंबे समय तक एक ही पोजिशन में या बेड पर ही रेस्ट, बेड रेस्ट है, उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं है मूव करने के लिए, उस कंडीशन में क्या करते हैं, बेड पेन का यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं फीसेस को एंड स्टूल या फिर कहीं ना कहीं यूरिन को कलेक्ट करने के लिए। तो उसका ये यूज़, मतलब फीसेस या यूरिन को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, बेड पेन का। तो हम इसका डेफिनेट, तो बेड पेन इज़ मेड फ्रॉम स्टील और प्लास्टिक डिवाइस टू मीट एलिमिनेशन नीड फॉर पेशेंट कन्फाइंड टू बेड। मतलब क्या है, ये प्लास्टिक और किसका होता है, स्टील का होता है, जो कहीं ना कहीं किस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो पेशेंट ऐसा पेशेंट जो कहीं ना कहीं कंटिन्यू बेड पर ही लेटा या बेड पर ही बेड रेस्ट के लिए है, उस पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, किस लिए, एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कि बेड पेन मे बी यूज बाई ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू गेट आउट दी बेड। तो मतलब इस पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जो पेशेंट कहीं ना कहीं बेड से अनेबल है, वो बेड से कहीं जाने के लिए, मतलब वो कहीं ना कहीं वॉशरूम नहीं जा सकता या एक जगह फिक्स है, बेड पर ही क्या फिक्स है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसका, बेड पेन का। नेक्स्ट क्या यहाँ पर, कि बेड पेन यूज बाई फीमेल एंड मेल फॉर एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड फीसेज। तो ये मेल एंड फीमेल बोथ के लिए यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, किस लिए, यूरिन एंड फीसेज को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब यूरिन एंड फीसेज को पास आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, बेड पेन का। तो कहीं ना कहीं किस पर क्या किया जाता है, जब पेशेंट है कंटिन्यूसली एक क्या है, बेड रेस्ट के लिए बोला जाए, बेड रिडन पेशेंट के लिए हम क्या जाते हैं, यूज़ करते हैं किसका, बेड पेन का, जिससे ईजिली पेशेंट को बेड पर ही हम क्या कर सकते हैं, फीसेस या स्टूल या कहीं ना कहीं उसके यूरिन को पास आउट कर सकें, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं किसका, बेड पेन का। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पजेस, कि इसके क्या पर्पज़ हैं। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड कम्फर्ट, अगर हम कहीं ना प्रॉपरली इसमें क्या करें, यूरिन या फीसिस को पास आउट करें, तो पेशेंट को कैसा फील होगा, एक कम्फर्ट। तो इसके हेल्प में पेशेंट को क्या कर सकते हैं, कम्फर्ट फील कर सकता है। नेक्स्ट हमें टू फैसिलिटेट बॉबल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बॉबल एंड ब्लैडर को क्या कर सकते हैं, इम्पिटी का जो एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ से ब्लैडर एंड बॉबल से क्या कर सकते हैं, ब्लैडर से हम यूरिन और बॉबल से हम स्टूल को इजीली क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। देन क्या है, टू कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर डायग्नोसिस पर्पस, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ सैम्पलिंग या स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्पस, किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, कि हम इजीली पता लगा सकते हैं इस कलेक्शन करके कि क्या कंडीशन है, डायग्नोसिस का भी पता लगा सकते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है टू गिव पेरिनियल वॉश, क्या करने के लिए, पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए, प्रॉपरली वॉश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेड पेन। तो ये किसके क्या पर्पज़ है, तो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, देन क्या करने के लिए, उसके जो बॉबल एंड ब्लैडर को एलिमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, देन क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन कलेक्शन करने के लिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, डायग्नोसिस कर सकें पेशेंट किस कंडीशन से सफ़र करा, उसको एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन किस लिए करते हैं, टू गिव पेरिनियल वॉश, पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए या वॉश करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेड पेन का। तो ये रहते हैं उसके पर्पजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन, कि किन किन कंडीशनों में हम बेड पेन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से पेशेंट है जिसमें हम बेड पेन की यूज करने की नीड होती है। तो फर्स्ट है पेशेंट विद स्पाइनल इंजरी, अगर कोई पेशेंट स्पाइनल इंजरी से सफ़र कर रहा है, ड्यूरिंग स्पाइनल इंजरी से सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेड पेन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर किसी भी पेशेंट का कोई ना कोई सर्जरी हुआ है, कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आफ्टर सर्जरी क्या करते हैं, बेड पेन का यूज़ करते हैं यूरिन या स्टूल को एलिमिनेट करने के लिए। देन क्या है फ्रैक्चर, अगर कोई ना कोई पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ, कोई ना कोई बोन ब्रेक हो गया, उस कंडीशन में भी हम बेड पेन का यूज़ करेंगे, जिस कहीं ना कहीं अगर कोई पेशेंट फ्रैक्चर हुआ तो हम इजीली उसे मूव नहीं कर सकते या वो कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं होगा उसकी बॉडी में, तो उस कंडीशन में हम क्या बेड पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक बेड रिडन पेशेंट, मतलब कोई पेशेंट है जो कहीं ना कहीं बेड रिडन पेशेंट, मतलब कंटिन्यू उसको बेड पर ही रेस्ट करने के लिए बुलाया या लंबे समय से एक ही बेड पर ही उसको बिठाया गया या लिटाया गया, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं बेड पेन का, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा पेशेंट है जिसको हम क्या है क्रॉनिक बेड रिडन पेशेंट है, उसको ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते, जब वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद से यूरिन पास आउट या स्टूल को पास आउट कर पाए, उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं बेड पेन का, और उसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं यूरिन फीसेस को पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विपमेंट, कि अगर कोई पेशेंट के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड होगी जब हम क्या कर रहे हैं बेड पेन का यूज़ करें, तो हमें किन किन इक्विपमेंट्स की नीड होगी ड्यूरिंग बेड पेन के यूज़ के टाइम पे। तो क्या फर्स्ट है बेड पेन विथ लेड, तो हम एक बेड पेन का यूज़ करें जो विथ लेड, मतलब कहीं ना कहीं उसको कवर कर सकें, जिससे कि कोई भी फीसेस है स्टूल है उसको ईजिली हम कवर करके रख सकें। देन कहीं ना कहीं क्लीन ग्लव्स एंड सोप एंड पेशेंट, तो हम क्या यूज़ करेंगे क्लीन ग्लव्स का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे क्लीन ग्लव्स का यूज़ करेंगे।
देन जिससे कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम सोप का यूज़ करेंगे जिससे इजीली हम क्या अच्छे से प्रॉपरली उस एरिया को वॉश करें या हैंड को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। देन हम कहीं ना कहीं बेसिन का यूज़ करेंगे, बेसिन में क्या कर सकते हैं वाटर वगैरह को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम पेरिनियल एरिया को क्लीन करने जा रहे हैं उस समय में जो भी वाटर की नीड होगी उसको हम उसमें रख सकते हैं। देन हम क्या करेंगे मैकिनटोश का, मैकिनटोश का यूज़ करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के जो भी मैट्रेस है या उसका जो बेड सीट है उसको कहीं ना कहीं क्या मॉइस्चर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको ड्राई रख सकते हैं। देन क्या है आपका वाटर एंड मग, हम वाटर की नीड होगी कहीं ना कहीं एरिया को अच्छे से क्लीन करने के लिए या वॉश करने के लिए। नेक्स्ट आपका मग की जिसमें हम वाटर वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं। देन आपका टॉबल, टॉबल जिस एरिया को हम ड्राई रख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वॉश करने के बाद उसको ड्राई रखने के लिए हम यूज़ करेंगे टॉबल का। नेक्स्ट है टिश्यू पेपर्स का, किसका टिश्यू पेपर को जो भी जनाइटल या फीसेस के पास अटके उसके बाद उस एरिया को क्लीन करने के लिए हम इन फिर टिश्यू पेपर्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम ये कुछ इक्विपमेंट है उनका हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ ऑफ बेड पेन के टाइम के, बेड पेन का चाहिए किस विथ लिड के साथ, क्लीन ग्लव्स, सोप एंड बेसिन, मैकिनटोश, टॉवल, वाटर एंड विथ वाटर एंड मग, देन आपका क्या टिश्यू पेपर्स, इन सबकी हमें क्या नीड होती है जब हम किसका यूज़ कर रहे हैं बेड पेन का। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर कि हम ये प्रोसीजर किस तरह से अप्लाई करेंगे पेशेंट को, जब हम यूज़ करने जा रहे हैं तो बेड पेन को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम फर्स्टली हम क्या करेंगे पेशेंट को फुली एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में। देन हम क्या करेंगे पेशेंट को क्या करने एक्सप्लेन करने के बाद जो भी इक्विपमेंट है उनको क्या करें शिफ्ट करेंगे हमें नियर दी बेड। देन हम क्या करेंगे प्रॉपरली हैंड वॉश करेंगे, पेशेंट को एक पोजीशन प्रोवाइड करेंगे कौन सा लिंथोटोमी या रिकमेंड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ईजिली हम केयर या उसको स्टूल किसको बेड पेन का यूज़ कर सके, हम सोपाइन पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं। देन कहीं ना कहीं क्या करेंगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे पेशेंट को कम्फर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद और उसको एक प्राइवेसी मेंटेन करेंगे जिससे कि हम इजीली उसको एक डिस्कम्फर्ट फील ना हो। देन उसको अच्छे से क्या करना है एलिमिनेट करने के बाद उस एरिया को हम क्लीन करने के लिए बोलेंगे कहीं ना कहीं टिश्यू पेपर से या कहीं ना कहीं उससे सोप वगैरह से एरिया को क्लीन करेंगे करना है। देन ड्राई टॉवल की हेल्प से उस एरिया को ड्राई, देन उसको एक उसको क्या है प्रॉपरली उसको कवर करके है ना उसको क्या करेंगे कहीं ना कहीं प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम एक प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं, देन जो भी बेड पेन है उसको लेट के हेल्प से कवर करके उसको हम क्या करेंगे पेशेंट को उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रोसीजर को अप्लाई कर देते हैं, जो भी इक्विपमेंट अगर रीयूज कर सकते हैं उन्हें हम क्या करते हैं वॉश करके रीयूज करने के लिए रख देंगे, देन हैंड वॉश करेंगे और पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से हम एक प्रॉपर पोजीशन प्रॉपर क्या है केयर प्रोवाइड कर सकते हैं किसका बेड पेन का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। तो आज हम लोगों ने बेड पेन के बारे में देखा कि बेड पेन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेड पेन क्या होता है स्टील या प्लास्टिक का होता है जो कहीं ना कहीं यूरिन या फीसिस को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं उन पेशेंट के लिए जो कहीं ना कहीं वो कैपेबल नहीं है कहीं ना कहीं वो अब बेड से कहीं जाने के लिए या वॉशरूम तक मूव करने के लिए उस कंडीशन हम यूज़ करते हैं। एंड मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं फीसेस या यूरिन को पास आउट करने के लिए। देन हमने उसके पर्पसेस के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने इंडिकेशन देखे और उसके हमने इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें जिससे आपको इस टॉपिक के नोट्स एंड अदर टॉपिक के नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू।